हेलो स्टूडेंट, आई एम रिमझिम फ्रॉम लिखन ग्रुप द स्मार्ट चॉइस फॉर योर फ्यूचर। तो हमारा जो चैप्टर है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, क्लास 10th ऑफ एसएन बुक, पेज नंबर 200, क्वेश्चन नंबर 43। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम ए कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस सो डैट। यहाँ पे हमें डिस्टेंस बतानी है ऑब्जेक्ट के, मीन्स हमें यू फाइंड करना है। फोकल लेंथ हमें कॉनकेव मिरर का 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ए है इट्स रियल इमेज इज फॉर्म 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर। यहाँ पे कह रहे हैं कि जो रियल इमेज फॉर्म हो रही है वो क्या है, कितनी दी गई है, 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर। मीन्स कि आई भी दिया गया है हमें। फिर बी में हमें वर्चुअल इमेज दी गई है 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर। हमें यू की वैल्यू फाइंड करनी है। गिवन हमें क्या दिया गया है, ये हम सॉल्व किसका कर रहे हैं, ए का। पहले हम ए सॉल्व करेंगे, उसके बाद बी सॉल्व करेंगे। एफ दिया गया है हमें 10 सेंटीमीटर, कॉनकेव मिरर है इसलिए हमारा यहाँ पे माइनस लग जाएगा। फिर उसके बाद हमें वी कितना दिया गया है, ए का हमें 20 दिया गया है, रियल इमेज है तो यहाँ पे भी क्या होगा, माइनस लग जाएगा। अब हम यहाँ पे यूज़ करेंगे मिरर फॉर्मूला क्या फाइंड करने के लिए। हमें फाइंड क्या करना है, यू डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये हमें फाइंड करना है। तो 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u, ये हो गया मिरर फॉर्मूला। ये 1/v को हम इस साइड में ले आएंगे तो माइनस में हो जाएगा, क्योंकि इधर हमें 1/u फाइंड करना है। 1/f माइनस 1/v इक्वल्स टू 1/u। तो u फाइंड जो हमें करना है, तो पहले 1/f, तो यहाँ पे 1/ माइनस 10 माइनस 1/v, रियल इमेज इसलिए माइनस लग गया था, माइनस 20 इक्वल्स टू 1/u यहाँ पे हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे हमारा ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, तो माइनस 1/10 प्लस 1/20 इक्वल्स टू 1/u, ये हो गया। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा आ जाएगा 20, एलसीएम लेंगे तो 20 आ जाएगा। अब 10 में हम कितने नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा 20 आ जाएगा 2 से, तो ऊपर भी करा तो माइनस 2 आ गया, प्लस 1 आ गया इक्वल्स टू 1/u, ये हो गया। यहाँ पे माइनस 2 है और प्लस 1 है तो हमारा क्या आ जाएगा, माइनस 1/20 इक्वल्स टू 1/u। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, यहाँ पे आएगा माइनस u इक्वल्स टू 20, मीन्स कि u इक्वल्स टू माइनस 20 सेंटीमीटर। ये हमारी क्या गई, वैल्यू आ गई। मीन्स कि हमने ऑब्जेक्ट को रखा कहाँ पे, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, तभी तो हमारा इमेज भी सेम आ रहा है और ऑब्जेक्ट भी हमारा क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। कैसे, एक बार ये डायग्राम देख लेते हैं। ये हो गया हमारा प्रिंसिपल एक्सिस कॉनकेव मिरर का, ये एफ हो गया, ये हमारा सी हो गया। सेंटर ऑफ कर्वेचर पे हमने जब रखा, ये यहाँ से पैरेलल गई, फोकस से ही पास हुई, ये हमारा रूल है। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये हमारी यहाँ से गई और ये इस पॉइंट पे, मीन्स कि ये हमारी कहाँ पे जाएगी, फोकस से गई है, पास हुई है, तो ये हमारी यहाँ से पॉइंट से जाके यहाँ पे कट होगी, ये ऐसे करके, ये हो गया। तो ये हमारी कुछ ये समथिंग यहाँ पे बनेगी, या फिर हम ये इसके अलावा क्या कर सकते हैं कि ये पोल से जो हमारी है वहाँ से भी पास हो सकती है और ये जाके इस पॉइंट पे, मतलब सारी जो लाइन है हमारी एक ही पॉइंट पे कट करेंगे। तो यहाँ पे ये सेम साइज बन गया ऑब्जेक्ट का ही, तो कहाँ पे प्लेस करा था ऑब्जेक्ट को हमने, जो इमेज और ऑब्जेक्ट का सेम साइज बना है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। तो ये हो गया हमारा। अब ऐसे दूसरा हम देखेंगे बी, जिसमें कह रहा है कि वर्चुअल इमेज दे रहा है 20 सेंटीमीटर। तो वर्चुअल इमेज की अगर हम बात करें तो बी में हमारा एफ तो सेम रहेगा, माइनस 10 सेंटीमीटर। बी यहाँ पे हम 20 सेंटीमीटर ही लिखेंगे, क्योंकि वर्चुअल दे रहा है तो यहाँ पे माइनस नहीं लगेगा। यहाँ पे आप क्या हो जाएगा, फाइंड क्या करना है, यू यहाँ पे भी फाइंड करना है। फिर उसके बाद हमें सोल्यूशन लिखना है। यहाँ पे भी सेम हम मिरर फॉर्मूला का ही यूज करेंगे, 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u, ये हो गया मिरर फॉर्मूला। 1/v को हम 1/f की साइड में लेके आएंगे, तो 1/f माइनस 1/v इक्वल्स टू 1/u, ये हो गया। 1/f की वैल्यू क्या है, माइनस 10, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस 1/10। और यहाँ पे माइनस तो पहले से लगा था, 1/20 लिख लेंगे इक्वल्स टू यू। अब क्या करेंगे, यहाँ पे एलसीएम लेंगे हम, तो हमारा 20 आएगा, 20 आ गया, तो मीन्स 10 में हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 20 आ जाएगा।
और माइनस वन इंटू टू माइनस टू और माइनस वन यहाँ पे रहेगा, तो ये क्या आ गया हमारा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा और माइनस बड़ी डिजिट पे माइनस लगा तो यहाँ पे माइनस थ्री बाई ट्वेंटी ये हो गया। मीन्स की जो हमारी एफ की वैल्यू है वो क्या आ गई, एफ की वैल्यू तो हमारी आएगी माइनस ट्वेंटी बाई थ्री, वन बाई एफ की वैल्यू अभी माइनस थ्री बाई ट्वेंटी आई है, वन बाई एफ इक्वल्स टू माइनस थ्री बाई ट्वेंटी, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो एफ की वैल्यू आ जाएगी हमारी माइनस ट्वेंटी बाई थ्री सेंटीमीटर, ये हमारी इसकी वैल्यू आ गई, ये हमारा सॉल्व हो गया। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।